महिलाओं के प्रति अपराधों एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त चेतावनी के बाद समाज जनों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में नारियों के सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की रैलियों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाई जा रही है। सभी समाज जन नारी का सम्मान करें। 21वीं शताब्दी में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर से कंधा मिलाकर कार्य कर रही। इस अवसर पर SDM संघ प्रिय IAS थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर, नगर पंचायत CMO संजय रावल एवं महिला बाल विकास अधिकारी के साथ प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत सम्मान अभियान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग कसरावत द्वारा शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। सर, ये जो अभियान चल रहा है इसमें कौन कौन से विभाग शामिल है और आगे किसकी क्या प्रोसीजर रहेगी? ये जो अभियान चल रहा है ये सम्मान अभियान है, जिसमें महिलाओं के अधिकार और होते क्या हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, समाज किस प्रकार से उनको सहयोग कर सकता है। इसमें महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और जो नगरीय प्रशासन है वो हमें भरपूर सहयोग दे रहा है। और आगामी ये है कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है, अंधेरे क्षेत्र होते हैं और जो एकांत में नहीं जा सकती है, उन स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करके की जाना सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर हस्ताक्षर अभियान और महिलाओं नारियों के सम्मान के लिए जो सेल्फी पॉइंट बनाया उसमें भी महिलाओं और नारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उस बारे में भी आप कुछ बताएं। ये जो हस्ताक्षर अभियान है ये समाज को अवेयर करने का एक प्रयास है, जिसमें समाज जो है इस वर्ग की सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए सकारात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करे। और जो सेल्फी पॉइंट बनाया है ये एक मैसेज है जो महिलाओं के सम्मान के प्रति, कि मैं उनके प्रति एक अच्छा नज़रिया रखूंगा और समाज के अन्य लोगों को भी मैं सहयोग करने के लिए प्रेरित करूंगा। नाम बताएं आप। मैं विजेंद्र भालेकर, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।